दोस्तों, गोपाला जी का नमन आप सबको। टोने टोटके और उपाय ग्रुप में स्वागत है आपका। बहुत दिनों बाद ऑडियो देना शुरू कर रहा हूँ, बहुत अच्छा लगेगा आपको। मैं जो छोटी छोटी सी चीज़ें बताता हूँ आपको, इनको अमल करें आप। कई बार ऐसा होता है, आपने देखा होगा कि मंदिर में या किसी पवित्र स्थल पर जाएं या कोई किसी देवता, किसी देवी के, किसी विग्रह के ऊपर लोग पैसे चढ़ाते हैं, और वो पैसे चढ़ाए हुए अगर छिटक के अकस्मात वर्ड पे ध्यान दीजिए, अकस्मात आपके पास आके गिर जाए तो उसको उठा लें। ये बहुत ही शुभ है। और ये ध्यान रखें कि पैसा पहले से पड़ा हुआ ना हो और अकस्मात गिरे आपके ऊपर आके। ऐसा नहीं कहीं और गिरा और आप जाके उठा रहेंगे, आपके पास कहीं सौभाग्य से गिर जाए। अगर हमारे ग्रुप में एक महिला हैं, उनको चिंतपूर्णी जी दर्शन में अभी इसी सोमवार को, लास्ट मंडे के दिन की बात है, वहाँ पे चिंतपूर्णी माँ के दर्शन कर रही थी तो किसी ने ऊपर सिक्के फेंके तो एक सिक्का उनके पास आके गिरा, उन्होंने उसको उठा के रख लिया। मैंने इसको अपनी बुक्स में भी दिया है, अपने आर्टिकल्स में भी दिया है, अपने ऑडियो में भी दिया है मैंने इसको। बड़ा सरल सा इसका उपाय बताऊं आपको, ये सिक्का ले लीजिए और एक साबुत सुपारी, जिसको पूजा वाली सुपारी बोलते हैं, साबुत बिल्कुल, वो सिक्के के ऊपर कलावे से बांध लीजिए, उसको लपेट लीजिए अच्छी तरीके से, वो उसके ऊपर स्टिक कर जाएगी। ये विग्रह एक गणपति स्वरूप विग्रह बन जाएगा आपके लिए। इसको अपने मंदिर में स्थापित कर लीजिए, अपने पूजा का स्थल वहाँ स्थापित कर लीजिए। अपने आप का सेफ है, तिजोरी है, यह पैसे रखने का स्थान है, या और भी कोई शुभ स्थल है जहाँ, जिसको आप अपने हिसाब से शुभ मानते हैं, वहाँ पे इसको स्थापित कर लीजिए। और प्रत्येक सोमवार के दिन मंडे को इसके ऊपर एक दुर्वा घास जड़ सहित तोड़ के, जिसमें कि बल्ब हो, इसके ऊपर धो के साफ करके अर्पित कर दीजिए। अगले मंडे को वो दुर्वा कहीं बाहर विसर्जित कर दीजिए और उसकी जगह फिर फ्रेश दुर्वा लीजिए एक, और धूप घास जिसमें बल्ब हो, ये ध्यान रखिए जड़ सहित उखाड़े हो, धो लें उसको गंदा हो तो, और वो इसको देव स्वरूप मान के, गणपति स्वरूप मान के इनके ऊपर स्थापित कीजिए। और ये नियम बना लीजिए, माह में चार मंडे होते हैं, अगर दो में तीन में भी करेंगे आप तो आप देखेंगे कि आपको कितना अच्छा लग रहा है। और ये नियमित रूप से करते रहें। इस विग्रह के बहुत सारे तांत्रिक प्रयोग करे जाते हैं इस सिक्के को लेके, वो ज़रूरत पड़ेगी तो उसको आगे बताएंगे। ये अगर सौभाग्य से किसी को सिक्का मिला हो तो ऐसा करके रखे उसको, भले पहले कई दिन पहले का रखा हुआ हो, वो दैट इज़ ए मटीरियल, मगर हो तो उसको करें। और ये महिला जो जिन्होंने पूछा है, विशेष रूप से उनके